जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज TV। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। राहुल गांधी ने किया वादा, सत्ता में आते ही आरक्षण को 50% से आगे बढ़ाएंगे। प्रियंका ने लगाया धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप। भ्रष्टाचार में लिप्त है आप और कांग्रेस, भजनलाल। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राहुल गांधी ने किया वादा, सत्ता में आते ही आरक्षण को 50% से आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश के बांसगांव में मंगलवार को इंडिया गठबंधन की चुनावी रैली में एकजुटता प्रदर्शित करते कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव व अन्य नेता। मैं हिंदुस्तान के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन दिल से, जान से, खून से संविधान की रक्षा करेगा। हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन संविधान को हम नहीं बदलेंगे। उत्तर प्रदेश के बांसगांव में इंडिया गठबंधन के सहयोगी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ संयुक्त रैली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा पर संविधान को बदलने और आरक्षण को खत्म करने की तैयारी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा आज भाजपा के लोग कहते हैं कि हम अंबेडकर जी के काम को, उनके सपने को फाड़ कर फेंक देंगे। मैं कहता हूं कि अंबेडकर जी के संविधान को गांधी जी और नेहरू जी के संविधान को कोई शक्ति फाड़ नहीं सकती। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रियंका ने लगाया धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप। भाजपा सामान्य रूप से जन विरोधी और विशेष रूप से युवा विरोधी है। वे सत्ता में बने रहने के लिए धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जमकर निशाना साधा। मंगलवार को हिमाचल के ऊना जिले के गगरेट में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जरूरत के समय देश के लिए अपने आभूषण दे दिए थे और वे कहते हैं कि कांग्रेस के लोग आपका मंगलसूत्र चुरा लेंगे। भाजपा की केंद्र सरकार ने अमेरिकी सेब पर आयात शुल्क कम कर दिया, इसका खामियाजा हमारे हिमाचल के किसान भाइयों को भुगतना पड़ेगा। उनके पास हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित लोगों के लिए पैसा नहीं है, लेकिन उसने अमीर उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। हम आपके लिए काम करते हैं, सत्ता या पैसे के लिए नहीं, और महसूस करते हैं कि यह हमारा कर्तव्य है। बीते वर्ष मानसून आपदा के दौरान लोगों को कांग्रेस और भाजपा के बीच अंतर देखने को मिला। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। भ्रष्टाचार में लिप्त है आप और कांग्रेस, भजनलाल। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी में डूबी हुई पार्टी है। इस पार्टी ने पूर्व में अन्ना हजारे जी के साथ रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, लेकिन अब ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाई जा रही है। उन्होंने कहा कि देश में पिछले 70 वर्षों में सबसे ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस ने भी भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद तथा तुष्टिकरण, भजनलाल शर्मा के अलावा कुछ नहीं किया। अब दिल्ली में ये भ्रष्टाचारी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब की जनता भाजपा के पक्ष में वोट डालकर इन सबको जवाब देगी। सीएम शर्मा लोकसभा चुनाव प्रचार के तहत फिरोजपुर लोकसभा प्रत्याशी राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के समर्थन में बलुआना में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश को भ्रष्टाचार, आतंकवादी घटनाएं, नक्सलवाद तथा घोटालों का आए दिन सामना करना पड़ता था। अब आप हमारे न्यूज़ चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों, ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ TV पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।